उनको मिला सलाम करते हैं, बड़े अदब से जिन्हें फांसी जान देते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह से पूरी दुनिया को देख करके और रेवोल्यूशन को इनोग्रेशन करने के बाद ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ पैदा हुआ जिस आवाज को बुलंद कर रहे थे ऐसे दौर में बहुजन नाम की संकल्पना उदा के बाद हमें नजर नहीं आ रही है। और फिर जो है मैं देखता हूँ, बाबा साहब जो है 1946 में कनाडा में एक पेपर प्रेजेंट कर रहे थे गांधी एग्रीकल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन से। बाबा साहब ने उसने अपनी बात रखी 1946 में अपनी बात रखी और उन्होंने मुद्दा उठाया 1942 का जो सफर सकल मिलने की बात की। और बाबा साहब जो बात कर रहे थे कि आपने हमारे सफर के लिए को नहीं माना तो आपको 1942 का सफर सफल माना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस और गांधी है उनकी बात से इनकार कर गए और बाबा साहब का ने मुहर बना दिया। मानव कांसीराम उसी बात पर आवाज बुलंद कर रहे थे जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर हमें आप सफर के लिए नहीं दे रहे हैं तो आप हमारे लोगों को गांव के बाहर बसाएंगे, हमें आपसे कोई हमारा ताल्लुक नहीं है, आपसे जो है वहाँ हॉस्पिटल कॉलेज और तमाम चीजों की फैसिलिटी होगी। इसलिए नारा देते जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उसकी भी न्यास मिलती है। बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा कह रही है दुनिया में रेवोल्यूशन है, हमारे धरती में रेवोल्यूशन नहीं आया। बाबा साहब जो है चंडीगढ़ में, जबलपुर में, सोलापुर में, नागपुर में, देश के तमाम कोने में जा रहा है, वही बात रिपीट कर रहे हैं कि हम अपने लोग हुक्मरान कैसे बना सकते हैं। मानव मासी नाम साहब अपने समय तक के लोगों की सैलरी का रेवोल्यूशन तक कर लिए। मानव मासी नाम बताते हैं कि हमारे समाज के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या जो है 1980 के आसपास का आंकड़ा था उनका, जो 20 लाख के आसपास है। आज उन 300 की सैलरी से लेकर 3000 की सैलरी का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो एक साल में हमारा बहुजन समाज 20 करोड़ 20 हजार 400 करोड़ कमाता है। बाबा साहब ने कहा था अगर हम अपनी सैलरी का जो है या अपनी जो हमारे सोशल इनकम है अगर हम 20% देते हैं तो हमारे समाज का पेमेंट हो जाएगा। मानव रचना भाग करते अगर हम 1% ही देते तो हमारे समाज का पेमेंट हो जाएगा, लेकिन साथ में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मानव राशि नाम जो मिशन विवेक सोसाइटी का जो नारा दिया था उसके पहले उन्होंने गो वे सोसाइटी का नारा दिया था। जो साइकिल यात्रा थी उसमें इनबिल्ट था, उसकी जो मैसेज थे वो फीलिंग उसमें ऐड थे कि सोसाइटी के साथ पहले घूमो, क्योंकि जो आपको एसी का जंग लग गया है, फैन और कूलर का जंग लग गया है, जब तक आप सोसाइटी में जाएंगे नहीं, सोसाइटी के लोगों से मिले भी नहीं, तब तक आप सोसाइटी के बारे में कोई चीज नहीं कर सकते। और उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया था बहुजन रेवोल्यूशन लाने के लिए। मनमोहन दास साहब ने कहा था कि हमारा एक दिन होगा जो प्रेस और पब्लिकेशन चलाएगा जिसके माध्यम से पूरे देश के अंदर साहित्य रेवोल्यूशन करेंगे, क्योंकि बाबा साहब की जो शिकायत थी 1946 में जो कनाडा के उनके सामने पेपर प्रेजेंट करे तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से तमिलियन ब्राह्मीण साउथ इंडियन ब्राह्मीण अंग्रेजी अखबारों में लिख रहे हैं और वो हमारे खिलाफ और गांधी के प्रमोशन में गांधी के प्रशासन को आगे बढ़ा के लिख रहे हैं और पूरी दुनिया में पता चल रहा है इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो महात्मा गांधी कर रहा है। बाबा साहब की उस चिंताजनक की बात को जो है मानव नसीना साहब 1980 में बाकायदा दिल्ली में जो है दिल्ली में जो है 5 दिन की सम्मेलन हुआ था 1980 में जो है 20 नवंबर से लेकर के
क्या नाम है 24 नवंबर के बीच में। और दिलचस्प बात है कि माता प्रसन्न ने कहा था कि हमें देश की क्या चलाना होगा, इसको 1989 में उन्होंने कहा था, स्टूडेंट थे इंग्लिश में उन्होंने क्या नाम है उसका उसका इधर किया था, विमोचन किया था उन्होंने। बहुजन संघ का चंडीगढ़ में जो कॉन्फ्रेंस होता है, पिछड़ा सवाल पिछड़े समाज का आदमी पसमानदा समाज का आदमी जब आपसे सवाल करता है बोले और एक मुस्लिम थे पसमांदा समाज से, वो कर्नल पत्रिका आती थी उसका उद्घाटन उन्होंने वहां पे किया था। ऐसी तो हमारे समाज का आदमी हमारे समाज को इसलिए नहीं देगा क्योंकि हमारे समाज को अरे उद्योग की देखा नहीं है, वो सभी ना वोट देकर विधायक सांसद बना देगा लेकिन अपने आदमी को नहीं देगा। और दूसरा जो उस ग्रामीण अंचल का जो है जो जमींदार है गंभीर है जो लॉर्ड है वो कभी भी आपको जो है लीडर रूप में स्वीकार नहीं करेगा, कभी स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वो आपका स्टेट का बना देगा। तो बाबा साहब यहाँ पे बी आर अम्बेडकर की बहुत सारी जो है बातें ऐसी हैं जिसको मानव नाम जमीनी स्तर पर उठा रहे थे। मानव नासी नाम साहब मेरे को बहुत बहुत आसान लैंग्वेज थी, बहुत बिजी लैंग्वेज थी क्योंकि स्टडी उनका प्राउड था कि हर आदमी उसको बात कर ले रहा था। दूसरी बात, इसी समाज में साहित्यिक आंदोलन बहुत अहम भूमिका निभाता है। ब्राह्मणवादी जो आंदोलन है वेद ऋग वेद से लेकर के प्रेजेंट टाइम के गीता परिषद जो आखिरी खिताब वाला के लिए भी हमने सुनी होगी, उसका अंतिम उद्देश्य ब्राह्मणवाद के यूनाइट करना। अपनी किताब हिंदुत्व में ब्रिटिश और बिना नाम और सामान लिखकर लिखता है कि हिंदुत्व हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, हम पहले आर्य थे, आज से पहली ब्राह्मण हुए, पहली ब्राह्मण से जो सर्व वैष्णव में डिवाइड हुए, उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो हमारे भारत में पहला हमको भरत नाम के दल मिलता है, वहाँ से मिलकर आपको भारत में भारतीय होते हैं, लेकिन वो सब भी हमको जो है यूनाइट नहीं कर सकता था जो हमारे विशिष्ट स्पीड होता है। तब उसने और बाद में आते हैं मुगल इस देश के अंदर आए, उन्होंने बोला जो उनके बदमाश रैपिड उपयोग के हिंदू का परिचय दे ही नहीं होता मैं उसका स्वर साथियों क्योंकि हम जैसा उसको देखते हैं वैसा अपने नाम ही बॉडी देते वो अपना कुछ भी बताए लेकिन हम उसके गहरे को बने उसको हम देख सकते हैं इसमें क्या नाम हम उसको देते हैं। तो साथियों ये बात सोचना पड़ेगा कि हिंदू कितने लास्ट में पड़ता है, जब इंडिया के अंदर एडल्ट कल्चर की लागू होता है तब होते हैं हिंदू और नया ग्रामीण लोग कि हमारा हिंदू नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि 1922 में जो है हिंदुत्व नाम की किताब भारत में लिख जा रही हो, 1925 में आरएसएस जैसा संगठन बन रहा हो, गोरवर्कर हेटियावाद और बाल गंगाधर तिलक बाद में आते हैं गठन दे ही थे, ये लोग जो हिंदुत्व की संकल्पना करके इस पूरे देश को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसे में हिंदुत्व का नारा लेकर आगे से कोई भी कम्युनिटी का आदमी हो वो इवन को कन्वर्टर बने हो जिसको भी हिंदू बताते हैं कि सब हिंदू हैं और भी या हिंदू और वो अपने आप को 85% है और जो इस यहाँ पे हम देखो जो गोल्ड करते हैं उनको बता के ये जो है 15% लेकिन ये भी हिंदू है। तो मुसलमानों को छोड़ करके या ईसाइयों को छोड़ करके वो सारे धर्म के लोगों को क्रिश्चियन पूरी को हिंदू बताते हैं, लेकिन क्या साधन जो है हम इस बात को बताने में कामयाब होते हैं कि यह भोजन हमारे सबके बिल्कुल भी नहीं, क्यों कि मानव वासी नाम साहब भोजन आंदोलन चला रहे थे 1980 के आसपास, उन्होंने लीड कर दिया था क्योंकि बड़ी बड़ी सभाएं होती थी मानव उसके लिए चलता चलता मेट कर दिया था आयोजन करते थे, इसका पहला उदाहरण जो है 15 अप्रैल 1980 को जो है क्या नाम है अल्पमापा दिल्ली में हुआ, उसके बाद कई जगह हुआ पर हुआ उसके बाद आगरा में हुआ उसके बाद वो बड़े ग्वालियर में बड़े करते थे नासिक में जाते हैं लखनऊ में जाते हैं।
तो साथियों उसका उद्देश्य ये था साहित्य वहां बांटा जाएगा, वहां पे रंगमंच होगा, वहां पे ड्रामा होगा, वहां पे सिंगर गाएगा, ठीक है। तो कल्चर रिवोल्ट के माध्यम से हमारा बंद करके जो पेपर पत्रिका नहीं पढ़ सकता, किताब नहीं पढ़ सकता है, वो भोजन मूल्य संकल्प भी जोड़ करेगा। लेकिन साथियों मानकर कुछ भोजन संकल्पना में जब हम देखते हैं हमारे दलित साहित्यकार आते हैं तो उन्होंने मानकर भी दलित शब्द यूज करते थे, शोषित शब्द यूज करते थे, वंचित शब्द यूज करते थे। कर्पूरी ठाकुर बाबू जयदेव प्रसाद और आपकी जो 70% का ऑपरेशन आप कट गई, क्योंकि 15-70 मिलकर 85 होता है, फिर बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, हम कह रहे हैं 85% है वो 15% है, लेकिन मैं इनको इसको नहीं मानता हूँ। हजारों साथ जो आपको हुक्मरानी कर रहा है उसका 85% आदमी, उसका 15% आदमी एक उसका एक आदमी आपके 85 के बराबर है, उसका एक आदमी आपके 85 के बराबर है। हमारे यहाँ पैदा होते तो बुद्ध होते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते, मानव हासिना होते, जो खुले पैदा होते, कभी नवजात इसे कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। एक ही इंटेलेक्चुअल विद्वान शब्द ही बड़ा छोटा बल्कि ज्ञान इन्हीं से शुरू होता है, लेकिन ऐसे जो समाज के नहीं होता है, क्योंकि बाबा मानव हासिना ने आग्रह करा था 1948 का जो भारत है SST समाज में आकर देखा जाए तो 731 लोग सिर्फ स्कूल गए थे पढ़ने के लिए, भारत में सिर्फ 100 लोग थे। तो आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि हम बहुजन कैसे बनेंगे, और बहुजन आंदोलन जो है दलित आदिवासियों इसी पिछड़ा SC ST OBC पसमानों को लेके ही चलेगा, ये मूवमेंट चलाने से नहीं चलने वाला है, ये मूवमेंट समझदारी के साथ है। और जो लोग मूवमेंट चला रहे हैं वो जिस भी जाति विरादरी कम्युनिटी से आते हों, ब्राह्मण छत्री वैश्य कोई किसी तरह से जाति कम्युनिकेशन के बड़ा आधार जातियाँ होंगे, लेकिन उनके अंदर हिंदुत्व अभी नहीं है। कौन है हम कहते हैं हम तमाम जाति धर्म से चले जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक पूरे मौसम में सुनना चाहिए कोई हमें होना चाहिए। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर हम दलित का प्रचार क्या कर देंगे, क्योंकि अगर आप कहेंगे नहीं नहीं 80 और 70 के दशक में जो दलित का मान मान्यता हुई आदि लागू कर देंगे ये बिल्कुल अपनी जगह नहीं आती सोसाइटी में। आज दलित का मानना दलित की हर कोई जानता है, दलित मतलब सिर्फ क्या होता है, आदिवासी मतलब रेस्ट भी होता है, बस मानना OBC में आता है, OBC को OBC में है ही, उसको हम पिछड़ा कहते हैं। कोई सिंपल प्रश्न को बता सकता है कि पिछड़ा हूँ या आप किसी आदिवासी को पिछड़ा या दलित कह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानेगा, क्योंकि टर्म आज की डेट हाई हो चुके हैं, तो हम किस कम्युनिटी से आता है, लेकिन बहुजन एक ऐसा शब्द है जो सब कुछ मैं कह सकता है, जो मेरी जरूरत है। लेकिन इसमें जिस भी जाति के लोग मूवमेंट लीड कर रहे हैं, जो भी लीड कर रहा है, पर्सन समाज क्षेत्र रंग भाषा भेद जो भी है, इसमें बहुत खुले दिल से लीड करना होगा, और उन लोगों को मौका दीजिए जो अब तक मंच पे नहीं आए या मंच पे आए कम लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा जितना मौका पाए उतना ज्यादा जरूरी करना पड़ेगा। बहुजन लिखा है, बहुजन सुखा है, लोगों को पाए अपना लिखा लिखा है सुखा है जो मनुष्य तो पूरी इंडियन सोसाइटी की बात होता है, और इसीलिए उनके यहाँ पे मानव भाषा ने ऐसी मुक्त को लाभ हुआ मुझे भी बोल करें, लेकिन वही मानव भाषा ने आप साइड के चलाने का नहीं बोल कर चले बताया दिया आप अपनी जानकारी बताए बोल समाज का आदमी मानव भाषा ने बहन को छोड़ करके हेलीकॉप्टर से आपको कोई बोल कर आता है आप उस तरह से तो बोल रहे बोल रहे बोल के हाथ ही नहीं हेलीकॉप्टर के भी सवाल हो तो हमारी हुकूमत जमीन नहीं आसमान पर भी हमारा सीधा मदद हो जाता है हमारे समाज का आदमी बोलने का से आता है। तो साथ में बात हमें समझना पड़ेगा बहुजन आंदोलन को इमोशनल लोग ही चलाएंगे, क्योंकि बहुजन आंदोलन को किसी ने अपने कोरोना शुरू कर दिया कि मैं 10 साल घर छोड़ छोड़ दिया कुछ नहीं मिला, यकीन मानिए आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अब एक नौजवान जो है क्या नाम कौन जगह फरारिया करके आया और फरारिया है फरारिया में चला गया, तो ये बात समझना जरूरी है, उसे इमेजिनेट किया है कि इसमें नाम भी नहीं भाग यहाँ से कांग्रेस में चले जाओ ऐसे बाबा जी
कहने वाले बाप के चरणों में गिरे थे, हमारा अभ्यूज क्या करते जा रहे हैं, पृथ्वी पर वो मूवमेंट नहीं चला जा सकता साथ में। खुद के अंदर कितना बड़ा इमोशन था, बच्चे और बीवी को छोड़ सकते, पूरे समाज का लोगों को नजर आया और उन्होंने उस चीज को ज्यादा वैल्यू दिया। अगर वहां पृथ्वी होते तो दिल तो था कभी उठने छोड़ते। तो साथ ही बात बहुत जरूरी, मानव नासिरा चार बजे का लेकर लिखते हैं, उनकी मम्मी जो एक महीने में समझाने के लिए पूना में आती है और वो देख कसके को पकड़ा गया है, तो साथ ही वहाँ कांग्रेस ने पहले मीटिंग साथ ही आया साथ में। लेकिन मानव कांसीराम सर उन तमाम चैलेंज को झेलते हुए अपने समाज को देखना साथ में। इसलिए मैं कहता हूँ साथियों, जीवन में जितनी भी उतार चढ़ाव है कोई बात नहीं, हमारी चैलेंज है तो उन समाज के लिए जिंदा हम लोग समाज में नहीं बनेंगे। ये हमारी पहली लाइन होनी चाहिए, हमारी आगे लाइन होनी चाहिए साथियों। अगर मानव कांसीराम सर आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं ग्यारह बजे का टाइम दिया था, 20 मिनट 20 मिनट